Hello students, this is your SST teacher Shikha and SST 2 के chapter 4 में आज हम पढ़ने वाले हैं clothes we wear का chapter, जिसमें सबसे पहले हम chapter की explanation पढ़ेंगे, उसके बाद हम chapter की exercise को solve करेंगे, जिससे आपको complete chapter का concept अच्छे से समझ में आ जाए. So without wasting any more time, let's get started. So students, this is our today's chapter, chapter number 4. And the name of the chapter is Clothes We Wear. इस chapter में हम पढ़ेंगे जो कपड़े हम पहनते हैं, जो clothes हम पहनते हैं उनके बारे में. लेकिन learning objectives में देखते हैं कि आज हमें कौन कौन से topic इस chapter में cover करने हैं. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे Why We Wear Clothes, Clothes and Seasons, Synthetic Clothes, Silk Clothes, Special Clothes and टेकिंग केयर ऑफ क्लोथ्स. ये सारे टॉपिक आज हम अपने इस चैप्टर में कवर करेंगे. मेन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले लेट्स वार्म अप सेक्शन में देखते हैं कि आज हमें कौन सी एक्टिविटी दी गई है. नेम द सोर्सेस फ्रॉम विच वी गेट दीज. अब आपको यहाँ पे फोर क्लोथ मटेरियल दिया हुआ है. आपको क्या करना है, उनको पिक्चर्स को देखना है एंड लिखना है कि वो जो मटेरियल है जिससे वो क्लोथ बना है, जिससे वो ऑब्जेक्ट थिंग बनी है, वो कहां से मिलता है हमें, मतलब सोर्स क्या है. लाइक दिस इज अ सिल्क साड़ी. और सिल्क हमें किससे मिलता है, सिल्क हमें मिलता है सिल्क वॉर्म से. तो जो सोर्स हो गया सिल्क का वो हो गया सिल्क वॉर्म. ऐसे आपको बाकी तीनों जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स हैं, जो थिंग्स हैं, उनके सोर्स के बारे में यहाँ पे लिखना है. तो चलिए स्टूडेंट मेन चैप्टर रीडिंग स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट हेडिंग इज व्हाई वी वियर क्लोथ्स. हम क्लोथ्स क्यों पहनते हैं. क्लोथ्स हमारी फूड के बाद सेकेंड बेसिक नीड है. मतलब सबसे पहले तो हमें लाइफ में फूड चाहिए होता है जिंदा रहने के लिए. उसके बाद हमें क्या चाहिए होता है, हमें क्लोथ्स चाहिए होते हैं. क्योंकि क्लोथ्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं. किससे प्रोटेक्ट करते हैं, कोल्ड से, हीट से, रेन से, विंड से और इंसेक्ट से. इन सभी चीजों से क्लोथ्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं. और जब हम क्लोथ्स पहन लेते हैं तो हम स्मार्ट लगते हैं और हम हैंडसम लगते हैं. डिफरेंट सीजन्स में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स पहनते हैं. जैसे शॉर्ट्स पहनते हैं, स्कर्ट पहनते हैं, जैकेट, कोट, जीन्स, टी शर्ट, ये सारे कपड़े हम अलग अलग सीजन्स में पहनते हैं. तो चलिए पहले ये ही पढ़ लेते हैं कि कौन से सीजन में हम किस टाइप के क्लोथ्स पहनते हैं. फर्स्ट इज कॉटन क्लोथ्स. कॉटन क्लोथ्स जैसे कि हम सभी जानते हैं हम कब पहनते हैं स्टूडेंट्स, हम पहनते हैं समर सीजन में. क्योंकि कॉटन एक नेचुरल फाइबर है जो हमें किससे मिलता है, जो हमें मिलता है कॉटन प्लांट से. और कॉटन में स्वेट को यानी कि पसीने को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है. इसलिए अगर हम गर्मियों में यानी कि समर सीजन में कॉटन के क्लोथ्स पहनते हैं तो हमें स्वेटिंग कम होती है और हमें पसीना जो है वो हमारा सारा एब्जॉर्ब हो जाता है. अब जो कॉटन है वो सबसे पहले प्लांट से ले ली जाती है, कॉटन प्लांट से. उसके बाद उसको यार्न बनाया जाता है, उसको घुमाकर यार्न बनाया जाता है और यार्न को फिर बुना जाता है. और उस बुनते के बाद जो फैब्रिक तैयार होता है उसको बोलते हैं क्लोथ. कॉटन क्लोथ हमें कूल रखते हैं, ठंडा रखते हैं हमें, और ये हमारी बॉडी का जितना भी स्वेट है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं. सेकेंड इज वुलन क्लोथ्स. अब वुलन क्लोथ्स हम कब पहनते हैं, हम पहनते हैं विंटर सीजन में. क्योंकि जो वुलन क्लोथ्स हैं वो किसके बने होते हैं, वो वूल के बने होते हैं यानी कि ऊन के बने होते हैं. और जो ऊनी कपड़े होते हैं, जो वुलन क्लोथ्स होते हैं, वो हमें वार्म रखते हैं, वो हमें गर्म रखते हैं. अब वूल भी एक नेचुरल फाइबर है और ये कहाँ से ऑप्टेन होता है, ये ऑप्टेन होता है शीप के हेयर से या फिर कैमल याक इनके हेयर से. मतलब शीप, याक और कैमल इनके जो हेयर होते हैं वो ही वूल होते हैं. उससे हम आप स्वेटर, पुलोवर और ये सब बनाते हैं. अब कैसे लगाते हैं वूल उस पे से, शीप है, शीप के हम क्या करते हैं उसको शीयर करते हैं. मतलब उसकी बॉडी पे से हम लोग उसके हेयर रिमूव कर देते हैं, उसके बाद उसको अच्छे से धो के उसको स्पन करके और क्लोथ में कन्वर्ट कर देते हैं. और कुछ वूल में हम स्वेटर भी बुनते हैं. थर्ड इज क्लोथ्स फॉर रेनी सीजन. रेनी सीजन में हम क्या पहनते हैं, हम रेनकोट पहनते हैं. रेनकोट हमारी रेन से प्रोटेक्शन करता है. इसके अलावा हम अम्ब्रेला भी यूज करते हैं. जब हम घर से बाहर जाते हैं और बारिश हो रही हो तो हम अम्ब्रेला का भी यूज करते हैं. रेनकोट जो है वो रबड़ के बने होते हैं या फिर प्लास्टिक, थिन प्लास्टिक के बने होते हैं. रबड़ हमें वाटर से प्रोटेक्ट करती है. और रबड़ हमें कहाँ से मिलती है, रबड़ हमें मिलती है ट्री से. नेक्स्ट इज सिंथेटिक क्लोथ्स. सिंथेटिक क्लोथ्स वो क्लोथ्स होते हैं जिनका जो सोर्स होता है वो नेचुरल नहीं होता. मतलब उनको फैक्ट्रीज में या इंडस्ट्रीज में
केमिकल का यूज करके बनाया जाता है, तो उन क्लोथ्स को बोलते हैं सिंथेटिक क्लोथ्स, और ये सिंथेटिक फाइबर्स के बने होते हैं। इनमें से कुछ फाइबर्स के नाम है कैशमिलन, रेयन, लिनन, लाइक्रा एक्सेट्रा, ये सभी सिंथेटिक फाइबर्स के एग्जाम्पल हैं। और सिंथेटिक फाइबर के जो क्लोथ्स होते हैं वो लाइट होते हैं वेट में, ड्यूरेबल होते हैं और अट्रैक्टिव होते हैं, उनको धोना और उनको आयरन करना बहुत ज्यादा ईजी होता है। नेक्स्ट इज सिल्क क्लोथ्स। अब सिल्क क्लोथ्स, हम सभी सिल्क के क्लोथ्स पहनते हैं, आपकी मदर सिल्क की साड़ी पहनती होंगी। अब सिल्क भी एक नेचुरल फाइबर है, और सिल्क हमें किससे मिलता है, सिल्क हमें मिलता है सिल्क वॉर्म से। सबसे पहले सिल्क वॉर्म का कोकून होता है, उसको बॉईल किया जाता है, उसके बाद जो उससे थ्रेड मिलता है उसको स्पन किया जाता है, उसके बाद जो सिल्क मिलता है उसको डाई किया जाता है अलग अलग कलर्स में, और उसको कपड़ा, उसका कपड़ा बना लिया जाता है, जो डाइड मटेरियल होता है उसका कपड़ा बना लिया जाता है। सिल्क एक स्मूथ, सॉफ्ट और शाइनी फैब्रिक होता है, और लेकिन ये बहुत महंगा भी होता है। नेक्स्ट इज स्पेशल क्लोथ्स। अब कुछ जो पीपल हैं, लाइक जो पुलिसमैन है या डॉक्टर है, वो एक ही तरह के कपड़े डेली पहनते हैं, तो एक ही तरह के कपड़े जो डेली पहनते हैं अपने ऑफिस पर्पस की वजह से, उस ड्रेस को बोलते हैं उनकी यूनिफॉर्म। जैसे आप स्कूल में सेम कलर के क्लोथ्स पहन के जाते हैं ना, सेम क्लोथ्स डेली पहन के जाते हैं, तो वो सेम क्लोथ्स, वो स्पेशल क्लोथ्स क्या है, वो आपके यूनिफॉर्म है। और इसी तरह डिफरेंट ऑक्यूपेशन में डिफरेंट डिफरेंट पीपल अपनी यूनिफॉर्म पहनते हैं। कुछ और स्पेशल ओकेशन, जैसे कि शादी हुई, फेस्टिवल्स हुए, बर्थडे पार्टीज हुई, इसमें हम कलरफुल और फैंसी क्लोथ्स पहनते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे से कपड़े पहनते हैं, और इन कपड़ों को बोला जाता है, इन क्लोथ्स को बोला जाता है पार्टी वियर क्लोथ्स। नेक्स्ट देखते हैं हेडिंग टेकिंग केयर ऑफ क्लोथ्स। अब क्लोथ्स की हमें टेक केयर कैसे करनी होती है, क्लोथ्स की इंपॉर्टेंस क्या है, ये तो हमने समझ ली, लेकिन क्लोथ्स को हमें कैसे रखना चाहिए, उनकी प्रोटेक्शन भी, उनकी केयर भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। सबसे पहले हमें अपने क्लोथ्स को अच्छे से वॉश करना चाहिए, मतलब हमारे क्लोथ्स जो है वो नीट एंड क्लीन होने चाहिए और उनमें कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। उनको हमें अच्छे से आयरन करना चाहिए और हमें हमेशा क्लीन क्लोथ्स पहनने चाहिए, क्योंकि अगर हम क्लीन क्लोथ्स पहनते हैं तो ये हमारी पर्सनैलिटी को इन्हांस करते हैं और हमारे लुक को स्मार्ट बनाते हैं। हमें स्कूल प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाना चाहिए और हमें अपने शूज और सॉक्स को भी क्लीन रखना चाहिए, मतलब हमें हमेशा क्लीन सॉक्स एंड शूज पहनने चाहिए। सो स्टूडेंट, ये था क्लोथ्स वी वियर का चैप्टर। आई होप आपको क्लोथ्स के बारे में इस चैप्टर से काफी कुछ इंफॉर्मेशन मिली। अब चलते हैं अपने एक्सरसाइज पार्ट की तरफ, यानी कि लेट्स डू इट की तरफ, और देखते हैं आज एक्सरसाइज में हमें कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिले हैं। फर्स्ट इज ए पार्ट, टिक द करेक्ट ऑप्शन। इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, वी वियर टू कवर अवर बॉडी, हम क्या पहनते हैं अपनी बॉडी को कवर करने के लिए, क्लोथ्स। सेकेंड, कॉटन क्लोथ्स कीप अस कूल। थर्ड, वूल इज द हेयर ऑफ शीप। एंड फोर्थ, वी यूज व्हेन वी गो आउट इन रेन, जब हम बाहर जाते हैं बारिश में तो हम क्या यूज करते हैं, रेनकोट। बी इज फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड्स। अब आपको यहाँ पे ब्लैंक्स में करेक्ट वर्ड फिल करना है। फर्स्ट देखते हैं, वी वियर क्लोथ्स टू कवर अवर बॉडी। सेकेंड, वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म, हमें गर्म रखते हैं। थर्ड, क्लोथ्स मेक अस लुक स्मार्ट, क्लोथ्स पहनने से हम स्मार्ट लगते हैं। फोर्थ, वी ऑल्सो वियर यूनिफॉर्म इन स्कूल, स्कूल में हम क्या पहनते हैं, यूनिफॉर्म पहनते हैं। एंड फिफ्थ, सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वॉर्म, सिल्क हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है। सी देखते हैं, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर ईच स्टेटमेंट। अब नीचे आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको क्या करना है, इनको पढ़ना है एंड देन बताना है वो ट्रू है या फिर फॉल्स है। फर्स्ट इज, वी वियर वुलन क्लोथ्स इन समर, फॉल्स। सेकेंड, क्लोथ्स आर वन ऑफ अवर बेसिक नीड्स, यस दिस इज ट्रू। थर्ड, रबर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट, फॉल्स। फोर्थ, वी यूज रेनकोट व्हेन वी गो आउट इन रेन, यस दिस इज ट्रू। एंड फिफ्थ, वी शुड कीप अवर क्लोथ्स नीट एंड क्लीन, दिस इज ऑल्सो ट्रू। सो स्टूडेंट, दिस वॉज अवर चैप्टर। आई होप आपको कंप्लीट चैप्टर विद एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गया है। एंड दिस वॉज अवर टूडेज वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट चैप्टर की एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा एंड बाय बाय।